थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए युवक को पुलिस वालों ने पट्टे व डंडों से पीटा, ढाई दिन बाद थाने से छोड़ा, झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी। नयाखेड़ा गांव के एक युवक को बेवजह थाने में बंद कर पुलिस वालों ने डंडों व पट्टों से पीट दिया। दरअसल ये युवक रिपोर्ट दर्ज करवाने बागोड़ थाने गया था। पुलिस वालों ने केवल उसके साथ मारपीट ही नहीं की बल्कि उसे ढाई दिन तक थाने में बिठाए भी रखा। हालत बिगड़ने पर अब इस युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसने अपनी आपबीती मीडिया के समक्ष बयां की। पीड़ित राधेश्याम पुत्र गोपी दरोगा है, उसने बताया कि चाखेड़ गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ आए दिन शिकायत करते रहते हैं। उसके साथ पानी के टैंक को लेकर विवाद है। इन लोगों ने उसके साथ गत दिनों मारपीट कर रिपोर्ट दे दी थी। राधेश्याम ने कहा कि शनिवार को सुबह 10 बजे वो रिपोर्ट देने बागोड़ थाने गया। आरोप है कि वहां जाते ही पुलिस कर्मी मुश्ताक व अन्य ने थाने के बाहर ही उसके साथ मारपीट कर दी और बाद में उसे थाने के अंदर ले जाकर नीचे फर्श पर लेटा दिया और पट्टे व डंडों से मारपीट की। छाती पर पैर रखकर पुलिस कर्मी आधे घंटे तक खड़ा रहा और उसे वहां से ढाई दिन बाद छोड़ा। युवक ने पुलिस कर्मी पर 2000 रुपए मांगने व 500 रुपए लेने का आरोप भी लगाया है। राधेश्याम ने कहा कि पुलिस कर्मी ने उसे धमकी दी कि अगर बाहर जाकर इस मामले में किसी को कुछ बताया तो तुझे NDPS के मामले में बंद कर 10 साल की सजा करवा दूंगा। फिलहाल राधेश्याम की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस संदर्भ में जब बागोड़ थाना अधिकारी महेंद्र मीणा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि युवक राधेश्याम के खिलाफ एक परिवार था, उसी परिवार में जांच के लिए उसे थाने बुलाया गया था, फिर युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर पेश किया गया था। मैं चाकेड़ नियाखेड़ रहता हूँ। मैं मेरे गांव नियाखेड़ा बाहर मेरा मकान बना रखा है। चाकेड़ में बहू जी रहता है, प्रभु बहू जी, इसका पिताजी का नाम नातू है, इसका भाई है कैलाश, इसका चारू छोरा, तीन साल हो गए मेरा विवाह चल रहा है। पानी का डैम बना रखा तो मेरे को ऐसी फर्जी रिपोर्ट देता है, पटवारी साहब को देता है, थाने में देता है, मेरे को मार एक दिन पहला मार के वह रिपोर्ट मेरे खिलाफ दे दी, मेरे खिलाफ इसको दे दिया थाना में। तो फिर मैं एक दिन रिपोर्ट लिख के फिर सुबह पहले मैं 10 बजे गया, शनिवार को 10 बजे गया मैं थाने में घुसा, मेरे को मारने चालू कर दिया थाने वाला। ये बागोड़ थाने की घटना है। ये मुश्ताक भाई है, पुलिस वाला है, पूरा स्टाफ था, मेरे को इतने भयंकर मारा। पहला बार मार के फिर अंदर गया तो मेरे को पट्टा से मारा, लकड़ी से मारा, फिर मैं आवाज बहुत की थी, फिर पीछे से लेके जाके मेरे को नीचे स्वाण के मेरे हाथों पे पैर पे पट्टा मारा। एंड मेरे को गाबड़े ऐसे करके फिर पट्टा रख के फिर मेरे को जूता यहाँ रख के फिर खड़ा रहा, मेरी छाती पे पैर लगा के कम से कम आधा घंटा खड़ा रहा। मुश्ताक भाई है पुलिस वाला, पूरा स्टाफ वही था, बहुत मेरे को 1.5 घंटा तक मेरे को मारा है। फिर मेरे को वही बंद कर दिया 3 दिन 2.5 दिन से मेरे को छोड़ा, मेरे को तहसीलदार से गिरफ्तार करके मेरे को छोड़ा। मंडल आके मेरे को पैसा मांगा 2000 रुपया मुश्ताक भाई। फिर मेरे पास 2000 नहीं था, मेरे पास 500 रुपये था, 500 रुपये रोकड़ इसको मैं दिया कर, ये कुछ नहीं होगा मेरे को और फोन से डालना, मेरे को कार्रवाई करना, पानी का पानी दूध का दूध होना चाहिए, मेरे को कार्रवाई करना। मेरे को धमकी भी दिया ये पुलिस वाला बागोड़ थाने वाला, बोले कि बाहर जाके कुछ किया, कुछ कोई फाइल बनाई तो तुम्हारे खिलाफ डोडा अफीम रख के फिर मुकदमा दर्ज करा के तेरे को 10 साल की मैं सजा करा दूंगा। मेरा नाम राधेश्याम, मैं नियाखेड़ा रहता हूँ, एंड मेरा कोई मुकदमा दर्ज नहीं, मैं किस छोटा आदमी की किसके रेबड़ नहीं मारी, एंड मेरे का ये छोटा छोटा मुकदमा कर रहा है थाना वाला, एंड बहुत मारा मेरे को, भयंकर मारा मेरे पीछे, ये पैर से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है सर। एंड मेरे को पूरी रात मैं बोला कि मेरे का छाती दर्द कर रही, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, मर जाएगा तेरे हार्ट अटैक की बीमारी है, मर जाएगा पहुंचा देंगे तेरे घर पे, ऐसे ऐसे बोला मेरे को पूरी रात पूरा दिन। मैं बाहर मेले मेरी छाती दर्द कर रहा, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, पर हॉस्पिटल नहीं लेके गया। दीवान आया नरपत सिंह, बोला के क्या हुआ राधेश्याम तेरे क्या हुआ, मैं कि मेरी छाती बहुत दर्द कर रही, मेरे को बहुत मारा, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ। फिर बोले तैयार हो जाएगा, बहुत उल्टी हुआ वे, मेरे पानी कूदा मेरे सिर पे मेरे माथा पे, मेरे को हॉस्पिटल नहीं लेके गया। फिर मेरे को वहाँ चलान किया तो वहाँ हॉस्पिटल के बाहर खड़ा करके मेरे को बैठा दिया, कुछ क्या फाइल बना के आ गए, फिर मेरे को पेश किया मांडर।